श्याम भक्तों, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग, यानी अगर आपके पास छोटा शिवलिंग नहीं है तो छोटा शिवलिंग ले आइए, और उस छोटा शिवलिंग लाकर इस तरह से अगर आप रात्रि में पूजा करना चाहते हैं तो उस दिन व्रत रखकर, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखकर इस तरह से भगवान शिव की आप आराधना और पूजा कर सकते हैं। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। श्याम भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। और 2024 में महाशिवरात्रि कब की है और महाशिवरात्रि के चार पहर की पूजा कैसे की जाएगी, किस तरह से पूजा की जाती है और व्रत का पारण कब होगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो द्वारा देने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो श्याम भक्तों, महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है वो दो महत्वपूर्ण कारणों से विशेष माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर महादेव ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इस दिन रात में शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वहीं श्याम भक्तों, दूसरी मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवजी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी कि अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग 64 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शिव पूजा करने से समस्त संकट दूर हो जाते हैं। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का जो त्यौहार होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर साल भोलेनाथ के भक्तों को महाशिवरात्रि का बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। श्याम भक्तों, महाशिवरात्रि शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। यह शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है। साल भर में कुल 12 शिवरात्रि होती हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। बाकी अन्य माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। श्याम भक्तों, महाशिवरात्रि के पावन मौके पर श्रद्धालु शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक करते हैं। बहुत से लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और रात्रि में जागरण भी करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो चलिए श्याम भक्तों, बात कर लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन से भूलों को हमें नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव को लाल रंग के फूल, केतकी आदि के फूल चढ़ाने की मनाही होती है, क्योंकि इससे भगवान शिव जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद भगवान को सफ़ेद रंग के या फिर नीले रंग के फूल आप चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को तुलसी के पत्ते भी चढ़ाने की मनाही होती है, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव जी को राक्षस जलंधर की पत्नी वृंदा ने श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति आपको तुलसी चढ़ाएगा उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। श्याम भक्तों, भगवान शिव को शंख से भी जलाभिषेक नहीं करना चाहिए, यानी शंख में जल भरकर शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शंखचूर नामक एक दैत्य था, उसका वध भगवान शिव ने किया था। इसी कारण भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल करने के लिए मनाही होती है। श्याम भक्तों, हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा में उनकी प्रिय सामग्री अर्पित की जाती है। इससे मनोवांछित फल मिलता है और भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। ठीक इसी तरह से भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग और धतूरा आदि अति प्रिय है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान आपसे नाराज हो सकते हैं। भोलेनाथ जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी वे क्रोधित भी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, श्याम भक्तों, क्रोध के कारण वे रुद्र रूप भी धारण कर लेते हैं और उनकी तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय तक आ जाती है। तो चलिए श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि भगवान शिव को कौन से फल पसंद नहीं है, यानी कि आपको शिवलिंग पे ये फल भूल से भी अर्पण नहीं करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, शिव जी की पूजा करते समय शिवलिंग पर बेर, आम, केला, निवोली, बद्री बेर और धतूरे का फल आदि जैसे कई तरह के फल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन भूलकर भी महाशिवरात्रि के दिन पूजा करते समय शिवलिंग पर नारियल ना चढ़ाएं और ना ही नारियल के पानी से शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। इसका कारण यह है कि
नारियल को श्रीफल कहा जाता है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। वहीं आमतौर पर जब हम पूजा में भगवान को फल चढ़ाते हैं तो उसे बाद में प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जिन पदार्थों से अभिषेक किया जाता है उसे ग्रहण नहीं किया जाता। मान्यता है कि यदि नारियल का फल या नारियल के पानी को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए तो ये ग्रहण करने योग्य नहीं रहता है, साथ ही इससे शिव जी नाराज होते हैं। चलिए श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि 2024 में महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन करना चाहिए और शुभ तिथि किस दिन होगी। श्याम भक्तों, 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इसी दिन सुबह से लेकर रात्रि जागरण कर शिव पूजा का विधान है। दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। श्याम भक्तों, उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि यानी कि 8 मार्च 2024 की रात 9:57 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर समाप्त हो जाएगी। शाम भक्तों, चूंकि शिवरात्रि की पूजा रात में होती है इसलिए इसमें उदया तिथि का कोई महत्व नहीं रह जाता, यानी कि जिस प्रकार से हम किसी भी पूजा विशेष व्रत के लिए उदया तिथि को देखते हैं, इस प्रकार से एकादशी तिथि में हम उदया तिथि को देखते हैं, शिवरात्रि की पूजा में इस विधि का कोई मान्य नहीं होता क्योंकि शिवरात्रि जो होती है रात के समय मनाई जाती है। श्याम भक्तों, जो शिवरात्रि का व्रत रखेंगे वो इस व्रत का जो पारण होगा वो 9 मार्च 2024 को इस व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी श्याम भक्तों आप इस व्रत का जो पारण है वो सुबह यानी 9 मार्च की सुबह 6:37 से लेकर दोपहर 3:28 के अंदर आपको इस व्रत का पारण कर लेना है। चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की 4 मुहूर्त के बारे में, यानी कि अगर आप पूरी रात भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे, 4 मुहूर्त की पूजा करेंगे तो कौन सी पूजा किस समय करनी चाहिए। तो श्याम भक्तों, रात्रि प्रथम पहर की जो पूजा होगी वो 8 मार्च के शाम को 6:25 से रात 9:28 तक रहेगी। दूसरे पहर की जो पूजा होगी वो रात 9:28 से सुबह 12:31 पर रहेगी और रात्रि जो पूजा होगी वो रहेगी 9 मार्च की सुबह 12:31 से 3:34 तक रहेगी और चौथे पहर की जो पूजा होगी वो सुबह 3:34 से लेकर सुबह 6:37 तक रहेगी 9 मार्च को। तो श्याम भक्तों, ये 4 पहर की पूजा है। अब इन 4 पहर की पूजा में प्रथम पहर की पूजा में आपको कैसे अभिषेक करना है उसके बारे में अब जानकारी ले लेते हैं। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले आपके पास एक शिवलिंग होना चाहिए। शिवलिंग को आपको पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में संकल्प करके दूध से स्नान कराएं और इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं ईशानाय नमः का जाप आपको करना चाहिए। दूसरे पहर में श्याम भक्तों, दही से स्नान कराकर ओम ह्रीं अघोराय नमः का जाप करना चाहिए। तीसरे पहर में आपको घृत से स्नान कराना चाहिए अर्थात घी से स्नान करा के ओम ह्रीं वामदेवाय नमः का जाप करना चाहिए और चतुर्थ पहर में आपको मधु यानी कि शहद से स्नान करा के ओम ह्रीं सघो जाताय नमः का मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस तरह से श्याम भक्तों, भगवान शिव की 4 पहर की पूजा आपको करनी है, इन मंत्रों को ध्यान करना है। अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो वीडियो को आप दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा से देख करके एक कॉपी पे नोट कर लीजिए और इस समय अगर भगवान शिव की पूरी रात भर जग के पूजा करते हैं तो ये 4 पहर जो होता है, 4 पहर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन 4 पहर को ध्यान में रखकर भगवान शिव की इस तरह से आप पूजा करिए, उनका अभिषेक करिए तो भगवान शिव की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। श्याम भक्तों, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग यानी अगर आपके पास छोटा शिवलिंग नहीं है तो छोटा शिवलिंग ले आइए और उस छोटा शिवलिंग लाकर इस तरह से अगर आप रात्रि में पूजा करना चाहते हैं तो उस दिन व्रत रखकर यानी कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखकर इस तरह से भगवान शिव की आप आराधना और पूजा कर सकते हैं।
अब शम भक्तों, आप सभी के प्रश्न होंगे कि शिवरात्रि के दिन क्या कुछ खा सकते हैं। तो शम भक्तों, शिवरात्रि के दिन आप फलाहार कर सकते हैं, फलाहार इत्यादि से आप शिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि से पिछले दिन ही एकादशी का व्रत था वो व्रत आपने रखा था, तो उससे उसके बाद ही शिवरात्रि का भी व्रत है। तो आप फलाहार से व्रत रख सकते हैं और इस तरह से व्रत रखने के साथ अगले दिन यानी कि सुबह सुबह आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो शम भक्तों, इस तरह से आप भगवान शिव को प्रसन्न करें, भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी शम भक्तों को जय श्री शम, हर हर महादेव।